रूस यूक्रेन वॉर के बीच कानपुर का एक छात्र यूक्रेन से कानपुर पहुंचा। भारत सरकार द्वारा अग्रहित इंडिगो का विमान करीब 170 छात्रों को रोमानिया के रास्ते दिल्ली पहुंचा, जहां से कानपुर के बर्रा के रहने वाले देव्यम वाजपेयी आज अपने घर पहुंचे। घर पहुंचकर देव्यम ने राहत की सांस ली और भारत सरकार समेत मालदोवा रोमानिया के लोगों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। देव्यम यूक्रेन के ओडिशा शहर में रहकर MBBS पांचवें वर्ष की पढ़ाई कर रहे हैं। यूक्रेन के हालातों और यूक्रेन से कानपुर पहुंचने के सफर के बारे में खुलकर बताया। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम देव्यम वाजपेयी है और मैं निवासी ओडिशा शहर का था और वहां पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। वर्तमान स्थिति में घर में सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। कल भारत सरकार आपको आपके घर तक आपको पहुंचाया गया है। किस तरीके के यूक्रेन में हालात हैं और कैसे निकले आप वहां से? यूक्रेन में हालात दयनीय होते जा रहे थे 24 तारीख के बाद से, जब से वहाँ पर शेलिंग और बमबारी शुरू हुई। वहाँ से निकलने का निर्णय किया गया और वहाँ से दो देशों में हमने प्रस्थान किया, पहला मोल्दोवा और दूसरा रोमानिया। और अंततः इस संघर्ष में थोड़ी नहीं बहुत दिक्कतें आईं, परंतु अंततः भारत सरकार की सहायता से बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी के हवाई अड्डे पर हमें भारतीय सरकार द्वारा सहायता मिली। उनका प्रतिनिधि कर रहे थे सिंधिया जी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया, जिससे हम थोड़े शांत हुए। और उसके बाद से हमें वहाँ पर से दिल्ली राजधानी पहुँचाकर उन्होंने हमें सुरक्षित महसूस करवाया। क्या हालात बने हुए हैं वहाँ पर? यूक्रेन के हालात जब तक मैं वहाँ था तब तक ठीक थे। मेरे यूक्रेनी मित्रों से बात होती थी, उनको भी उम्मीद थी कि ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, परंतु ये इस तरह खींचेगा इसका अनुमान किसी को नहीं था। अब वहाँ पे हालात बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि मेरी उनसे बात हुई, वहाँ पर खाने स्टोर्स खाली हो रहे हैं, खाने के वहाँ पर स्टोर खाना नहीं है। पानी का भी प्रसार है परंतु वो कब बंद हो जाए पता नहीं। बिजली का प्रसार अभी तक बचा हुआ है परंतु शेलिंग से कुछ टावर ध्वस्त हुए हैं। तो स्थिति सामान्य लग रही थी पर अब दयनीय होती जा रही है। आप लोगों ने कैसे अपनी सुरक्षा की थी, कहाँ पर जाकर शरण लिया था? हमें जैसे ही युद्ध शुरू हुआ तो हमारे ऑटोमेटिक मैप पे बंकरों की पोजीशन आ गई थी, जिससे हमें अनुमान लग गया था कि हमें कहाँ पर भागना है अगर कुछ स्थिति बिगड़ती है। परंतु हमने खाने की सामग्री अपने घरों में ही जुटा ली थी, तकरीबन महीने दो महीने की, और हम लोग वहीं पे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। यहाँ तक कि मेरे मित्र जो अलग अलग अपार्टमेंट में रह रहे थे वो भी एक साथ आ गए कि फिर जो भी होगा एक साथ उसको देखा जाएगा। अभी कितने छात्र हैं जो आपके साथ वहाँ रहते थे जो फंसे हुए हैं, और किस तरीके से सरकार उनकी मदद कर रही है? छात्र वहाँ पर जो फंसे हुए हैं, वहाँ पर एम्बेसी में पहुँचने का प्रयास किया परंतु वहाँ पर किसी भी राष्ट्र की कोई भी एम्बेसी नहीं पहुँच पा रही है, इसलिए छात्रों को पलायन बॉर्डर की तरफ करवाया गया ताकि वो दूसरे देशों के माध्यम से निकल सकें, क्योंकि एयर बेसिस यूक्रेन भी पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। वहाँ पर छात्र, मेरे सारे मित्र लगभग निकल चुके हैं, परंतु खारकिव में जहाँ पर ज़्यादा बमबारी हो रही है वहाँ पर अभी भी 500 छात्रों ने वहाँ से निकलने का प्रयास किया और वहाँ के किसी पास के गांव में वह शरण लिए हुए हैं। उम्मीद है कि भारत सरकार ने रूसी सरकार हो सकता है कि वो मॉस्को वहाँ से ले जाया जाए और मॉस्को से भारत की राजधानी दिल्ली लाए जाए। आज आप घर आ चुके हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बेशक सी बात है, मातृभूमि है, घर पर सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, ये खुद में बड़ी बात है और इसका श्रेय भारत सरकार को पूर्णतः जाता है। इसका श्रेय बच्चों को भी जाता है जिन्होंने ये सब देखते हुए अपने आप को वहाँ से निकालने का प्रयास किया और साथ ही साथ अपने माँ बाप और अपने संबंधियों को शांत रखने का प्रयास किया। अत्याचार हुआ है बॉर्डरों पे, परंतु इसमें भी यूक्रेन की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी स्थिति है, दयनीय स्थिति है, कि सोचने विचारने की क्षमता खत्म होती जा रही है। घर आके सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।